चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल लहलाने वाली खबर को मिस ना करें। पीएम मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, करोड़ों की लागत वाले प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में किसानों ने प्याज की नीलामी पर लगाई रोक, अब बढ़ेंगे भाव। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, ग्रामीण महिलाओं को फ्री मिलेंगे 5,000 रुपए की सुविधा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, खारिज की 23 याचिका। रोबोट से गटर की गंदगी साफ कराने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। तेज धूप से चढ़ रहा पारा, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। मार्च में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, त्योहार की वजह से छुट्टियां भरमार। राहुल ने स्टेट इंडिया कंपनी से की अडानी की तुलना, सच सामने आने तक सवाल उठते रहेंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए लोग। पीएम मोदी बोले, वह दिन दूर नहीं जब मेक इन इंडिया विमान में सफर करेंगे लोग। छत्तीसगढ़ में फिर बनाया रिकॉर्ड, बना सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य। पूरे हफ्ते सोने चांदी में दर्ज की गई भारी गिरावट, सोना 56,000 के नीचे फिसला। यूपी में आज बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन। कल से महंगा होगा होम लोन, कैनरा बैंक ने भी बढ़ाई ब्याज दरें। 2024 के बाद भारत अमेरिका के बीच व्यापार दोगुना, 2022 में 191 अरब डॉलर को पार किया। मुकेश अंबानी को एक हफ्ते में 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, दूसरी कंपनियों का भी बुरा हाल। कंगाल पाकिस्तान पर एक और मुसीबत, आर्थिक तंगी के बीच अब पेट्रोल मिलना भी मुश्किल। दिल्ली में शुरू हुई वॉटर पॉलिटिक्स, एलजी ने केजरीवाल से कहा, पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। राजस्थान में पहली बार आम आदमी पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन, केजरीवाल भगवत मान निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जयपुर में जनसभा की तैयारी को करेंगे संबोधित। रेपो रेट पर एसबीआई की आरबीआई रिजर्व की कॉपी करने को सलाह, कहा फेडरल बंद करें। पेट दर्द की शिकायत पर सीएम केसीआर अस्पताल में भर्ती, जांच में निकला अल्सर। नोएडा में 40% बड़े खांसी और जुकाम के मरीज, H3N2 के लक्षण। केरल में आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवार को शुरू होगा सर्वे, सीएम बघेल ने मुख्य सचिवों को दिया निर्देश। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता आज ईडीआई के सामने होगी पेश, घर के बाहर जुटी कार्यकर्ता। होली के बाद 15 रुपए सस्ता हो गया सोयाबीन रिफाइन तेल। बीजेपी नेता ऋषिकांत दुबे ने की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग। कबाड़ा होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स ने 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर।